क्या करने बैठ गई? नोट्स बना रही हूँ। मार्केट चलो ना। क्यों? साड़ी खरीद लेना। अरे अमेज़न प्राइम से मंगवा लेंगे ना, एक दिन में आ जाएगा। नहीं नहीं चलो मार्केट से ही ले लेते हैं। मार्केट में नहीं जाना। अरे मार्केट में बहुत सारा वैरायटी रहता है ना, उसको पसंद कर सकते हैं। वो तो है। और सामने में क्वालिटी सामने में पता चलता है। अमेज़न में फिर अगर नहीं पसंद आया तो लौटाओ, फिर टाइम ज़्यादा नहीं। जाने का मन नहीं हो रहा, थक गई हूँ। अरे चलो तैयार होना पड़ेगा। चलो चलो, बचपन का प्यार भूल मत जाना। तैयार होना पड़ेगा फिर से। तो तैयार हो जाओ, जल्दी हो। यही पहन के चलो। जल्दी 10 मिनट ये पहन के चलो। चलो इसी में चलो। बस कहीं कर लो। हाँ हाँ पार्लर भी चलना होगा फिर। ओ भाई पार्लर भी जाना है। देखो पार्लर का तो कुछ नहीं करना, बस थ्रेडिंग करवाना। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है पार्लर में तुम्हारा बाहर वेट करना। कौन करेगा बताइए, किसको बुलाओ? अकेले चली जाए। ऐसा नहीं होता, मैं अकेले बाहर जाती हूँ कभी भी। चलिए जब पति देव बोल रहे हैं तो मौका को तो गवाना नहीं चाहिए। तैयार हो जाती हूँ फटाफट। मैं तो यहीं पहन के जाऊँगी, बड़ी को रेडी कर देती हूँ। घर वाले चप्पल में ही चलना, बाहर में बहुत पानी है। ठीक है। पता चला कि जूती पहन लेना वो खराब हो जाएगा पानी में, ऐसे करो गर्दन सही। लेकिन जाओगी कैसे? बाइक से। बाइक से तो ठीक है, पानी में तैर के जाना पड़ेगा। अच्छा तैर के जाना, नाव मंगवा दीजिए। बोट ऑर्डर किया है मैंने। अच्छा अमेज़न से। हवाई जहाज नहीं किए हैं? लिंक नीचे डाल देना। अच्छा हवाई जहाज भी कर लेना चाहिए था ना आपको। मैंने बोट किया है, इमरजेंसी बोट। अच्छा ऐसा नहीं होता है। अरे मेरा फोन देना। क्या क्या खरीदिएगा मेरे लिए? चलो ना, बोल दिए हैं तो पार्लर तो जाना ही है। अब पर्स मत खाली करा देना साहब। पर्स क्या, एटीएम खाली करवा दे। अरे तब तो रहने दो, कल चलेंगे फिर। अब बोल दिए तो आज ही चलूंगी मैं, और ड्रेस चेंज नहीं करूंगी। ठीक है आप कुछ मत बोलिएगा क्योंकि बाहर में पानी बहुत है। तुम कपड़ा तो पहनती नहीं हो, सारे बक्से पहनते हैं, पेटी पहनते हैं तुम्हारे। अच्छा ऐसा थोड़ी है, मेरे बदले आप पहनते हैं क्या? ऐसे ही पुराना थोड़ी हो जाता है। हाँ और क्या, वार्डरोब में रखे रखे सारा पुराना। अब तो मैं साड़ी भी पहन लेती हूँ, पहले तो मैं साड़ी भी नहीं पहनती थी। चलो मैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली आज मैं जा रही हूँ तीज के लिए शॉपिंग करने, और आज से तीज के 3-4 दिन ही बचे हुए हैं। इस बार मैं थोड़ा लेट शॉपिंग करने जा रही हूँ। वैसे और बार तो मैं पहले से सब कुछ लेके रख लेती थी, इस बार हस्बैंड के पास थोड़ा टाइम की कमी हो गई है। तो मैं तैयार हो गई हूँ, और बाहर में बहुत पानी है तो सिंपल ही जाऊँगी। सो गाइज, पहले मैं आ गई हूँ पार्लर में, क्योंकि पार्लर में अगर लेट से आओ तो भीड़ बहुत हो जाती है। फेस्टिवल सीजन में तो वैसे भी भीड़ बढ़ी रहती है। मैं इनके यहाँ हमेशा आती हूँ, तो आने से पहले मैंने बात कर लिया था। तो अभी पार्लर में भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और यहाँ पर मुझे बस थ्रेडिंग ही करवाना है। फेशियल किट तो मैंने मंगवाया ही है, आपने रिव्यू देखा होगा परी हेल्थ एंड ब्यूटी पर। तो फेशियल मैं खुद से करूँगी, और मैं पूरी कोशिश करूंगी फेशियल का स्टेप बाय स्टेप वीडियो शेयर करने का, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, और इसी चैनल पर करूंगी। पहले तो थ्रेडिंग मैं मंथ में एक बार करवाती थी, लेकिन जब से कोविड हुआ है 3-4 महीने तो हो ही जाते हैं। और जब भी आप पार्लर में थ्रेडिंग करवाने जाते हो तो वहाँ पर आपसे पक्का पूछेंगी कि आपको फेशियल भी करवाना है, आप ये करवा लो, आप ये करवा लो। आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट करके बताइएगा। मेरे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं फेशियल खुद से कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है, पार्लर में भी करवाती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि खुद से किट खरीद लो और घर में ही कर लो। क्योंकि अगर आप बाहर से फेशियल करवाते हैं तो कम से कम 1500 से 2000 के बीच में फेशियल का चार्ज होता है। बट अगर आप घर में करते हैं और अच्छे फेशियल किट से करते हैं, फिर भी आप 500 में निपट जाएंगे। जैसे अभी मैं VLCC का डायमंड फेशियल किट लेकर के आई हूँ, तो उसका प्राइस 350 या फिर 400 के आसपास है। जब मैं फेशियल करूँगी तो फिर मैं आप लोगों को बता दूँगी। और अगर आप ब्लीच करते हैं तो वो भी 100 से 150 के बीच में आ जाएगा।
तो मैंने बोला ही है कि अगर आप खुद से फेसियल करते हैं तो 500 में निपट सकते हैं, लेकिन हाँ फेसियल करने आना चाहिए। लेकिन अगर आपको फेसियल का स्टेप नहीं आता हो फिर तो आप पार्लर में ही करवा लीजिए, नहीं तो फिर आपका वो भी पैसा बर्बाद ही जाएगा। पहले मैं ब्लीच करती थी लेकिन अब मैं ब्लीच बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ। ओकेजनली कभी किसी की शादी हो तो अलग बात है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ब्लीच ना करूँ। इसके बाद मुझे जाना है साड़ी ख़रीदने, और साड़ी के शॉप पे मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वैसे भी अभी तीज का टाइम है, पूरे शहर में ही भीड़ है, तो वहाँ पर मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया। वैसे भी उस शॉप में हमेशा भीड़ होती है जहाँ से मैंने साड़ी लिया है। तो आज मैंने बहुत कुछ लिया है जो कि घर जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आज नहीं कल के वीडियो में दिखाऊंगी। और अभी मैं दान के लिए सामान देख रही थी और अपने लिए लहठी भी देख रही थी। यहाँ पे थोड़ा खाली खाली था तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया कि आप लोगों से शेयर कर दूंगी। तो फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ और ये दान का सामान है जो कि मैं आप लोगों को अच्छे से कल के वीडियो में दिखाऊंगी। वैसे एक दान के सामान का अलग से वीडियो भी आएगा, और इसमें मेरे अंडरगारमेंट्स है और इसमें दान के लिए साड़ी है, और मैं अपनी साड़ी तीज वाले दिन ही दिखाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल वो घर में है भी नहीं, मैंने पीको के लिए और ब्लाउज स्टिच करने के लिए दे दिया है। पूजा के लिए तिल का तेल, बत्ती, धूप बत्ती ये सब है, तो ये सब तो मैं आप लोगों को कल ही दिखाऊंगी। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ, ये मिल्क पाउडर है, आजकल मैं यही मंगवा रही हूँ घर में। और ये मैं घर में इसलिए रखती हूँ ताकि कभी हस्बैंड घर में ना हो और चाय बनाना पड़ जाए, घर में दूध ना हो और परी को देना पड़ जाए, इसलिए मैं रखती हूँ। और आप लोगों को मैंने बताया ही है कि मैं घर से बाहर अकेले नहीं निकलती हूँ, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो और कुछ लेना हो तभी मैं निकलती हूँ, नहीं तो फिर नहीं निकलती हूँ। जो भी घर में होता है उसी से काम चलाती हूँ, बाहर नहीं निकलना पड़े यही कोशिश करती हूँ। और ये वाला दूध अच्छा होता है, आप इससे चाय भी बना सकते हैं, बच्चों को पीने के लिए भी दे सकते हैं। मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज कर रही हूँ, परी के जन्म से पहले से ही यूज कर रही हूँ। अच्छा होता है, अगर ज़रूरी पड़ जाए घर में दूध ना हो तो आप इससे चाय बना सकते हैं। जिनको भी पाउडर के दूध का चाय अच्छा लगता है वो ले सकते हैं, घर में रख सकते हैं, मैं तो हमेशा रखती हूँ। तो चलिए अब खाने की तैयारी करते हैं, और आज मैं बना रही हूँ छोले और आलू मिक्स करके। थोड़े से छोले बच गए थे तो मैंने सोचा कि चलो आलू मिक्स करके इसको बना लेते हैं। इसके लिए फ़ौरन में मैंने डाला है जीरा, कसूरी मेथी, तेजपत्ता और लाल मिर्च। फिर मैंने प्याज डाला है और प्याज को फ्राई कर रही हूँ। इसके बाद मैंने इसमें डाला है लहसुन का पेस्ट और इसको फ्राई करूँगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आपके पास छोले कम हो तो आप इस तरीके से सब्जी बना सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें डाला है नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला। आँच को मैंने कम ही रखा हुआ है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आप तीखा खाते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा था तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करूंगी। आँच को मैंने कम ही रखा हुआ है। तो ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो रहा है, कम आँच पर ही मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अगर आपके पास छोले कम हो तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोला डाल दिया है, और छोले को मैंने पहले से ही बॉयल करके रखा हुआ था, तो छोला डाल के और इसको थोड़ी देर और फ्राई करूँगी। फिर मैं इसमें उबले हुए आलू को डाल दूँगी। आलू को उबाल के मैंने मैश कर लिया था, तो आलू और छोला डालने के बाद थोड़ी देर फ्राई करेंगे ताकि जो भी मसाला है अच्छे से मिल जाए आपस में। और ये मैं चावल के साथ खाने के लिए बना रही हूँ, तो इसमें मैं पानी भी थोड़ा ज़्यादा ऐड करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। अब आँच को तेज करके छोड़ देंगे, और जब ये खौलने लगेगा फिर गैस को बंद कर देंगे। बस सब्जी तैयार है। आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का बटन आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।